आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसको कि आप जेपी पावर के नाम से भी जानते होंगे। बहुत सारे न्यूज मार्केट में ट्रेंड हो रहा है कि ये कंपनी बंद होने वाली है, जो कि पूरी तरह से र्यूमर है। इस स्टॉक में मार्केट का जो गिरावट पिछले एक महीने से दिख रहा है रशिया यूक्रेन के न्यूज के कन्फ्लिक्ट के बाद, उसके बाद इस स्टॉक में भी 14-15% की गिरावट दिखी। हालांकि कंटिन्यूस पिछले 2-3 साल से ये स्टॉक कंटिन्यूस अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 2 साल का रिटर्न लगभग 700% है, 1 साल का रिटर्न 150% के आसपास है, लेकिन एक मंथ में इस स्टॉक ने 15% की करेक्शन दिखाई है। और पर्सनली मैं इस स्टॉक को लेकर के बहुत ही बुलिश हूँ। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिस प्रकार से ये 7 रुपये के रेंज में कॉन्सोलिडेट हो रहा है, सियोरली एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जहाँ इस स्टॉक की बाइंग प्राइस 7 रुपये से 7.50 रुपये के आसपास की बाइंग रहेगी, 5 रुपये के स्टॉप लॉस को लगा करके 15 रुपये तक के टारगेट के लिए, यानी कि यहाँ से डबल टारगेट के लिए विद इन 3 मंथ के लिए आपको सियोली से स्टॉक को बाइंग करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिस करना चाहिए, क्योंकि इसके जो रेटिंग थे वो भी रिवाइज होते दिखे गए हैं, बैंकिंग फैसिलिटी रेटिंग। तो मैं पर्सनली इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाइंग करने का। ओवरऑल 50% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक में कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, तो श्योरली अगर आप पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस आइडियल प्राइस में बाई करने का।